भाई बहुत तगड़ा जुकाम हो गया यार, थोड़ा बाल वाल सेट कर लें तब फिर टॉपिक पे बात करते हैं। ओके भाई लोग, तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग बहुत सारी अपडेट्स पे बात करने वाले हैं जो कि रीसेंट वीक में निकल के आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पैरासाइट द ग्रे नाम का एक केड्रामा आने वाला है जिसकी अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर की है। इवन मैंने इस पर एक दो सेपरेट वीडियो भी बनाई है, लेकिन अब जाकर के इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि जो ये केड्रामा है आपको नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिलेगा। मीन्स इसका जो सीजन है भाई आपको 5 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके जो 6 एपिसोड हैं वो एक ही बार में आपको देखने को मिलेंगे, वीकली वाला जाम नहीं रहेगा। नेटफ्लिक्स का इस साल का ये मोस्ट एक्साइटिंग भाई केड्रामा है जिसके कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया आई थिंक एक मांगा से, जिस पर ऑलरेडी एक एनिमे एंड 2 लाइव एक्शन अडॉप्टेशन जापानीज बन चुकी है, लेकिन ये कोरियन वर्जन आने वाला है। एंड इसमें भाई एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये भाई कि जो अपना एनिमे है, इवन जो लाइव एक्शन जापानीज मूवी है, उसमें आपको जो लीड है मतलब जो हीरो रहता है वो एक मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, लेकिन इस कोरियन वर्जन में एक ट्विस्ट मारा गया है। यहाँ पर आपको जो लीड है वो एक एक्ट्रेस देखने को मिलेगी, जो कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसका पे ऑफ कैसा निकलेगा, क्योंकि पूरी तरीके से इसकी दुनिया को समझ लो चेंज ही किया जा रहा है इस कोरियन वर्जन में। बाकी इसकी कहानी ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि अचानक से भाई कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि अंतरिक्ष से धरती पर गिरने लगते हैं, एंड जब वो गिरते हैं तो वो ह्यूमंस के पास जाकर के उनको होस्ट बना लेते हैं। कुछ को तो वो मार देते हैं, बट कुछ के साथ वो सर्वाइव करके अपनी आर्मी बनाना शुरू करते हैं। एंड इसी के बीच में एक पैरासाइट रहेगा जो कि अपनी एक्ट्रेस के साथ जाके चिपकेगा, बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इवन उन दोनों में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, एंड देन वो ह्यूमैनिटी को डिफेंड करना शुरू करेंगे। अब वो कैसे करेगी, क्या होगा, क्या जो पैरासाइट की आर्मी है उसको पूरी दुनिया में कब्जा करने से रोक पाएंगे, या फिर ये सब जानने के लिए आपको इसका वेट करना पड़ेगा जो कि 5 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। बट यस, अगर आप मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर के वेब सीरीज या ड्रामास के दीवाने हो तो इसमें आपको भाई भर भर के तगड़ा वाला माल मिलेगा उससे रिलेटेड। भाई मैंने इसका एनिमे देखा है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है, एंड एनिमे सच जी फाड़ है भाई। अगर उसी तरीके से अडॉप्ट कर दिया गया बवाल मचा देगी ये सीरीज नेक्स्ट मंथ। लेकिन इसको छोड़ करके भाई नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड डिज्नी प्लस एक तगड़ा मर्जर होने जा रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई कोई किसी को खरीद नहीं रहा, मतलब जियो वाले हॉटस्टार को खरीद नहीं रहे या फिर हॉटस्टार वाले जियो को खरीद नहीं रहे। ये दोनों मिल करके अपने शेयर को कंबाइन करेंगे, एंड उस कंबाइंड शेयर से वो एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे इंडियन ऑडियंस के लिए। एंड जो ये डील होने वाली भाई इसकी अभी ड्राफ्टिंग की गई है, एंड इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको 2025 के Q1 में देखने को मिलेगा। यानी कि 2025 के Q1 में आपको कोई ना कोई नए प्लेटफॉर्म के अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, जहां पर इन सबके जो कंटेंट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी भाई इस पे बहुत ज्यादा अभी कुछ अपडेट अवेलेबल नहीं कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, हॉटस्टार के कौन से कंटेंट जाएंगे, के ड्रामास पर क्या होगा या फिर जियो सिनेमा पर जो कंटेंट उनका क्या होगा, इस पर भी कुछ भी अपडेट नहीं है। बट स्टेक्स अवेलेबल है कि हाँ रिलायंस का इतना परसेंटेज होगा, हॉटस्टार यानी डिज्नी वालों का इतना परसेंट होगा, तो उसको बताकर क्या फायदा, वो सब बिजनेस रिलेटेड बातें अपने ऊपर से निकल जाएंगे। बट गुड न्यूज ये है कि भाई इस मर्जर से ऑडियंस का बहुत तगड़ा फायदा होगा, एंड हो सकता है कि जो ये मर्जर होगा एंड उसके बाद जो प्लेटफॉर्म निकल के आएगा वो भाई इंडिया में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ओवरटेक कर सकता है सब्सक्राइबर्स के मामले में, क्योंकि भाई जियो के एंड हॉटस्टार के सारे सब्सक्राइबर्स समझ रहे हो ना कंबाइंड हो जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म के लिए। एंड हु नोस, मोटा भाई क्या पता नेटफ्लिक्स को एक दिन 2025 तक आओ उसको भी। ब्लड फ्री नाम का भाई एक केड्रामा आने वाला है जिसकी आज ही अनाउंसमेंट की गई, जो कि आपको अप्रैल के मंथ में हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, जिसका जो ऑफिशियल पोस्टर है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बेटर कॉल शॉल की भाई हिंदी डब कंफर्मेशन आ चुकी है, ये एक ब्रेकिंग बैड की स्पिन ऑफ सीरीज है, एंड अगर आपने इसको नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये काफी काफी ज्यादा जबरदस्त सीरीज है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड को एंजॉय किया होगा तो डेफिनेटली इसको मिस मत करना। जब हिंदी डब में आएगी तो GKFA पर आपको इसके जो एपिसोड हुए प्रीमियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रेकिंग बैड के साथ हुआ था। बाकी भाई GKFA वालों ने एक अच्छा काम किया कि ब्रेकिंग बैड को उन्होंने खत्म किया, एंड अब उसकी स्पिन ऑफ लेकर के आ गए हैं जो कि ऑडियंस को डेफिनेटली हिट करेगा। एक बैड न्यूज़ ले लो, द ब्रदर्स सन नाम की जो एक वेब सीरीज आई थी अभी जनवरी में, इनकेस अगर आपने उसको देखा होगा तो मैं आपको एक बैड न्यूज देता हूं कि अगर आप इसके season 2 का वेट कर रहे हो तो अब मत वेट करना, क्योंकि season 2 को नेटफ्लिक्स ने कल ही कैंसिल कर दिया भाई, अब इसका season 2 नहीं आएगा, क्योंकि व्यूअरशिप के मामले में ये सीरीज भाई बहुत ज्यादा फर्स्ट वीक में बहुत बहुत ज्यादा एवरेज गई थी। सेकंड वीक में थोड़ा सा पीक दिखाई थी, बट नेटफ्लिक्स केवल फर्स्ट वीक का ज्यादा कंसीडर करता, तो उसमें भाई इसने एकदम बोलते ना फ्लॉप वाला काम किया। बहुत सारे भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो MX प्लेयर के पुराने के ड्रामास हैं, सी ड्रामास हैं या फिर अदर ड्रामास हैं, उनको MX प्लेयर हटाते जा रहा है, तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बता देता हूं कि भाई एक्चुअली में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो MX प्लेयर राइट्स लेता है ड्रामास के, वो 4 से 5 साल के लिए होते हैं, उनको डब करा करके वो अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, बट 4 से 5 साल के बाद जब उनके राइट्स ओवर हो जाते हैं तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता है तो वो जो ड्रामास उसके प्लेटफॉर्म से जिस स्टूडियो ने डाले हैं
वो हटा लेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप मुझसे सामान लेने आए हो, 4-5 साल के लिए आपने मुझे पैसा दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को आप अपने पास रख सकते हो, तो 4-5 साल के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब 4-5 साल बीत जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रिन्यू नहीं करोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लूंगा ऐसा कुछ, और इसी प्रॉपर्टी को सकता है मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ बेच दूं। यही सीन हो रहा है कि एमएक्स प्लेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है पुराने के ड्रामास या सी ड्रामास के तो आपको फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर रिन्यू नहीं करता है तो भूल जाओ, जो हट रहे हैं वो धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे, क्योंकि भाई 4-5 साल हो गया है एमएक्स प्लेयर को डब्ड कंटेंट प्रोवाइड करते करते। जो पुराने जो सबसे पहले स्लेट आई थी 2019 या 2018 के राउंड, तो वो तो अब जाने ही जाने, तो उनको भूलना स्टार्ट कर दो। जो नए बचे कुछ हैं, अगर आपने नहीं देखा आप एमएक्स प्लेयर की डबिंग को झेल पाते हो तो देख लो, नहीं तो आने वाले 2026-27 में वो भी चले जाएंगे। बाकी भाई गोंग्यू, इन केस अगर आपने गॉब्लिन के फैन हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भाई का एक नया केड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है दी ट्रंक, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। एंड न्यूज के अकॉर्डिंग जो इसकी फिल्मिंग का वर्क है वो खत्म कर दिया गया है, मीन जो ये केड्रामा अब पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क में जा चुका है, एंड मान के चलो कि 2-3 महीना या 4 महीना मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि ये एक थ्रिलर मिस्ट्री थ्रिलर केड्रामा होने वाला, तो उसमें 4-5 महीना और लगेगा पोस्ट प्रोडक्शन में, एंड जैसे ही खत्म हो जाएगा ये आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर यानी कि Q3 या फिर Q4 में हिंदी डब में देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इन केस गोंग्यू के फैन हो तो काफी टाइम के बाद भाई अपना जो गॉब्लिन है किसी केड्रामा में लंबे रोल के लिए, मतलब 7-8 एपिसोड होने वाले, लीड रोल में एक्चुअली देखने को मिलेगा। तो पर्सनली मैं इस केड्रामा को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर होगा, एंड इसका जो प्लॉट है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गूगल करके पढ़ लेना। दो केड्रामास की मैं आपको एक्सक्लूसिव हिंदी डब अपडेट देता हूं। पहला है समर स्ट्राइक, जो कि आपको हिंदी डब में बहुत जल्दी हो सकता है प्लेफिस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो राइट्स वन टेक मीडिया ने ले लिए हैं, एंड हो सकता है मिनी टीवी पर भी देखने को मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, प्लेटफॉर्म की कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। दूसरा है गॉस इलेक्ट्रॉनिक, ये भी भाई आपको जल्दी हिंदी डब में देखने को मिलेगा, एंड इसके भी जो राइट्स वन टेक मीडिया ने लिए हैं तो हो सकता है मिनी टीवी पर या फिर प्लेफिस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। बाकी भाई जो भी हिंदी डब की अब न्यूज मिलती है तो मैं सब पर वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन हाँ जो भी अपडेट्स आते हैं उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने जो ग्रुप है अपना उसमें अपडेट करते रहता हूं, तो अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो क्विक अपडेट्स के लिए आप उसको भी ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी मैं ट्विटर पर भी हूं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो, एंड अगर कुछ पर्सनली पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपसे डायरेक्टली बात भी कर सकता हूँ, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज्यादा मखन्ना नहीं तो देखोगे नहीं। यही थी खट्टी मीठी अपडेट्स आज के लिए, जिसको कवर करके मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं मैंने आपके अपडेट्स जो आपको पसंद आएंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं।